हमको वीडियो दिखाया कि माल आपका भैंसी लोड हो रहा है, लोड हो के भेज रहे हैं, फिर 21,000 डलवा लिया, उसके बाद फिर 21,000 डलवा लिया। अच्छा, ये बोल के भी आधे रस्ते में आ गई गाड़ी, रस्ते में गाड़ी आएगी। हाँ, कुछ जरूरत पड़ेगी तो आप जो है पैसा डाल दीजिएगा। अच्छा, हमारे जो है ड्राइवर का नंबर रहेगा, उसको डाल दीजिएगा। हमने फिर डाल दिया 53,000, जब डाल दिया फिर चौथी बार उसने कहा 25,000 रुपया और डालिए, तो हमने कहा तुम फ्रॉड हो, हम एक पैसा भी नहीं डालेंगे। सभी भाइयों को राम राम जी, नमस्कार। आज एक बार फिर से नेपाल से भाई साहब आए हुए हैं जी, राज डेयरी फार्म से, जिन्होंने दो भैंसे खरीदी है जी, स्पेशल, जो नेपाल से चल के आए हैं। लगभग 800 किलोमीटर का सफर है, तो भाई साहब से पूछेंगे भी कैसा लगा इधर आके। तो नमस्कार भाई साहब, नमस्ते। नाम क्या भाई साहब अपना? हमारा नाम अहमद हुसैन। अहमद हुसैन, तो जगह कौन सी है प्रॉपर अपनी? नेपालगंज, वार्ड नंबर 23। अच्छा, और ये लखीमपुर से कितना पड़ता अपना? लखीमपुर से हमारा फॉर्म पड़ेगा 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर लखीमपुर से। 120 किलोमीटर है। फार्म का क्या नाम भाई साहब अपने? कादरी पोल्ट्री फार्म। कादरी पोल्ट्री फार्म का भी काम आपका? तो अभी भैंसों का धंधा शुरू कर रहे हो आप? धंधा शुरू किया। अच्छा, तो कैसा लगा भाई साहब इधर आके आपको? हमको आने में तो बहुत अच्छा लगा है, यहाँ रहने में भी बहुत अच्छा लगा है। कोई फ्रॉड वाला सिस्टम होगा? फ्रॉड वाला सिस्टम नहीं, कोई धोखाधड़ी होगा? कुछ नहीं है। तो आपके साथ में एक धोखाधड़ी भी हुआ ना? हाँ, जैसे जयपुर में हुआ, राजस्थान जयपुर। अच्छा, हमने जो है उसे फेसबुक से नंबर निकाला। हाँ हाँ। नंबर निकालने के बाद में हमने उसको कॉल किया। हाँ। कॉल करने के बाद में वो बोला, वीडियो उसने डाला। हाँ। कि हम जो है भैंस देंगे। हाँ हाँ। और जो है हमने भैंस बोला ठीक है, 10,000 रुपया ट्रांसपोर्टिंग में आप अकाउंट में डाल दीजिए। ट्रांसपोर्ट का डलवा लिया? हाँ, पहले आपसे डलवा लिया। ट्रांसपोर्ट की रसीद उसने कटवा के हमारे व्हाट्सएप में भेज दिया। हाँ हाँ। भेजने के बाद में फिर बोला ठीक है, आप जो है 21,000 रुपया आप और भेज दीजिए। हाँ हाँ। आपका जो है, हमको वीडियो दिखाया कि माल आपका भैंसी लोड हो रहा है। हाँ हाँ। लोड हो के भेज रहे हैं, फिर 21,000 डलवा लिया, उसके बाद फिर 21,000 डलवा लिया। अच्छा, ये बोल के भी आधे रस्ते में आ गई गाड़ी, रस्ते में गाड़ी आएगी। हाँ। कुछ जरूरत पड़ेगी तो आप जो है पैसा डाल दीजिएगा। अच्छा, हमारे जो है ड्राइवर का नंबर रहेगा। हाँ। उसको डाल दीजिएगा। हमने फिर डाल दिया 53,000, जब डाल दिया फिर चौथी बार उसने कहा 25,000 रुपया और डालिए, तो हमने कहा तुम फ्रॉड हो, हम एक पैसा भी नहीं डालेंगे। तो बाद में उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया, फोन स्विच ऑफ कर दिया। हाँ। और वो नंबर ही हटा दिया है। अच्छा, कभी नहीं मिल रहा उनका नंबर? अभी तो ऐसा काम का नहीं मिल रहा। तो राज डेयरी फार्म से आपसी की बात हुई? हाँ, तो फिर हमने जो है सर्च करके, हाँ, हरियाणा से जो है राज डेयरी फार्म का हमने निकाला नंबर। हाँ हाँ। हम वहाँ से चले आए हैं। हाँ हाँ। हम दो भैंस ले रहे हैं। अच्छा, ये हैं और संतुष्ट भी हैं, दूध लगा के चेक किए हैं। हाँ हाँ। और ले जा रहे हैं, फिर अच्छा देखते हैं आगे। चलो ठीक है भाई साहब, ये देखो जी, फ्रॉड वाला सिस्टम भी बहुत है, हरियाणा में हो जी, पंजाब में हो, राजस्थान से कहीं भी, अपनी तसल्ली जरूर करें जी भैंसों के बारे में। तो भाई साहब खुद भैंसी लेना चाहता है। हाँ? वो डायरेक्ट आए फॉर्म में। हाँ? और भैंसी लेकर। हाँ? और सामने लेकर, उसके बाद सामने सामने सौदा करें, दूध निकाले भैंसों का, भैंस सामने सामने देखें, सामने सामने देखें। तो ये देखें जी, प्रॉपर जो भाई इनकी गाड़ी आ गई, आज सुबह ही पहुंचे थे अपने पास में आप भाई साहब 9 बजे के लगभग। दो भैंस आपकी कन्फर्म भी होगी ना? तो दोनों भैंसों की गाड़ी में लोडिंग करेंगे और हर भैंस की जो कीमत आप भाइयों को जरूर बताएंगे। तो देखिए जी, एक तो ये जोटी खरीदी है भाई साहब ने, ये वाली जोटी खरीदी है जी, 1,31,000 रुपये की जोटी खरीदी है भाई साहब ने। दूसरे ब्यांत की है, कंपटीशन लेवल की जोटी है। देखें जी, अभी दूध निकला हुआ है, अभी सीधी गाड़ी में लोडिंग कर रहे हैं, 4 दिन की ब्याई है, लगभग 14-15 लीटर दूध तैयार है जी जोटी में। उम्मीद करेंगे भाई 18-19 लीटर दूध भाई साहब के घर पे जाके सही सेट हो जाए, जोटी आराम से निकाले। और ये इसका जैसे मेल काफ कटड़ा है साथ में, ये देखिए जी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई। देखने वाले भाई कमेंट में आप ज़रूर बताएं जी रेट के हिसाब से कैसी जोटी दी है, 1,50,000 रुपये की भी ऐसी जोटी बिकती है ले आ। तो अभी देखें जी, गाड़ी में अभी लोडिंग कर रहे हैं भाई साहब की, जो 14 फिट की गाड़ी है वो करी है लगभग 750 किलोमीटर का सफ़र है इनका। तो ये गाड़ी जा रही है जी, अभी मिट्टी माटी डाल के बिल्कुल आराम से। और ये देखें जी, ये जोटी दी है भाई साहब को 1,16,000 रुपये की, अभी 4 दिन की ब्याई है, लगभग 13-14 किलो दूध तैयार है, अभी दूध
निकलने के बाद में आई है, अभी 5 मिनट पहले आई है जोटी, देखे एंडर बढ़िया है, धार पोसाव की बढ़िया है। और ये देखिए जी पूरा जो राज डेयरी फार्म का एड्रेस, देखो ये जोटी आ गई। तो अभी लोड हो जाएगी राज डेयरी फार्म गांव मिंगनी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट की सार हरियाणा से। ये देख लो जी दोनों जोटियां अभी लोड कर दी है। तो भाई साहब खुद आए थे और इनके साथ में जो घटना घटी वो भी बताइए आप भाइयों को। तो भाई पूरी तसल्ली करके कहीं से पशुधन आप खरीदें। ये देखिए जी तो खुद आप आए और ये गाड़ी अपनी जा रही नासिक में महाराष्ट्र में, राजेश भाई है उनके पास में। ये देख लें तो कैसा लगा जी छोटा सा वीडियो भाई साहब, आए इनसे आपकी मुलाकात करवाई। तो ठीक है जी, किसी भाई साहब को पशुधन खरीदने हो आप 2 से 3 टाइम दूध ज़रूर निकाले जी, किसी के बहकावे में न आए। वीडियो कॉल करके अगर हो सके तो भाई भैंसों के पास में ज़रूर जाके अपने हाथ से चुवाई करें, चुवाई कैसी है भैंसों की। और पीछे भी जो भैंस बंधी हुई है, ये गाड़ी निकल रही है अभी ये नासिक के लिए, अगली गाड़ी सोलापुर की 6 भैंसे हो चुकी है। ये देखें जी अगली गाड़ी सोलापुर की 6 भैंसे होगी और बेंगलोर की खरीदी भी चालू कर दी है। तो अभी लातूर और नासिक, लातूर और नांदेड़ महाराष्ट्र से भाई साहब भी बहुत जल्द पहुंचेंगे। तो एक यही बात बोलते हैं जी हर वीडियो में, आप पूरी जांच परखे पशुधन खरीदे, कहीं से खरीदे, 2 से 3 टाइम दूध निकाले भैंसों का, जौन सी आपको पसंद आए वो आप लेके जाएं। ये भैंसें जा रही अपनी नासिक में, इसमें हर तरह की भैंस है जी, 95,000 की भैंस भी है और 1,15,000 की भैंस भी है। तो ठीक है जी, सभी साथियों को एक बार फिर से राज डेयरी फार्म की तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।